बांका जिला के अमरपुर बाजार के सिहुड़ी मोड़ में रविवार की संध्या मानवता को शर्मसार करती घटना घटित हुई। जानकारी के अनुसार रविवार की रात्रि एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला सिहुड़ी मोड़ स्थित राजद के निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष सह महादेवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज दास के आवास के निकट मूर्छित होकर गिर गई। देखते ही देखते आम लोग कोरोना वायरस को लेकर वृद्धा को छूना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके कारण बारिश में वृद्धा अपनी हालत पर आंसू बहाते हुए घटना स्थल पर घंटों पड़ी रही। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी को दिया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी अमरपुर अस्पताल में देते हुए एम्बुलेंस भेजने को कहा, जिस पर करीब डेढ़ घंटा के बाद अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजा गया, जहां एम्बुलेंस के कर्मी ने जख्मी वृद्धा को उठाने से इनकार कर दिया, जिस पर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने वृद्धा को उठाकर एम्बुलेंस में चढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ थानाध्यक्ष के द्वारा किए गए मानवीय व्यवहार से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरवासियों ने थानाध्यक्ष के द्वारा किए गए कार्यों को दिल से सलाम देते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक से डेढ़ घंटा से गिरी हुई थी महिला जी, देखने के बाद सब बहुत लोग आया, देखा इसको बोल चाल रही है जी, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। आप हॉस्पिटल फोन किए थे? मंगल के द्वारा किया गया, हमारे पास नंबर नहीं था जी, तो उन्होंने जवाब दिया मंगल को जी कि एम्बुलेंस में इसको उठा के कौन धरेगा जी, जो आप लोग रिक्स लेते हैं ये बात तो बोला गया। अभी तक तो एम्बुलेंस आया नहीं है। कितना देर पहले फोन किया गया? एक घंटा हो गया लगभग, एम्बुलेंस अभी तक पहुंची नहीं, नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार दास। घर? सीढ़ी मोड़। बहुत देर से खड़ी थी यहाँ पे पहले जी, उसके बाद धीरे धीरे गिर गई तो फोन किया गया डॉक्टर साहब को, तो बोले कि अभी एम्बुलेंस में कौन उठाएगा इसको, ये तो आप रिक्स लेते हैं। को कौन बोला? हम अभी देखे नजर से जी, यहाँ पे गिर के लेट गई थी। कितना देर पहले? एक घंटा से। वो ये कितना देर यहाँ गिरी पड़ी रही? एक से डेढ़ घंटा। प्रशासन को फोन किए? फोन तो किया गया प्रशासन के द्वारा, हॉस्पिटल भी फोन किया गया, एम्बुलेंस नहीं भेजा गया। नहीं, डॉक्टर क्या नहीं आया? डॉक्टर आपको क्या बोला गया? डॉक्टर साहब बोले कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लॉकडाउन किया गया है, साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹50 का फाइन लगाने का सरकारी आदेश दिया गया है। इसी को लेकर शनिवार को रजौन प्रखंड विकास पदाधिकारी गुरुदेव प्रसाद गुप्ता व CEO नीलेश कुमार चौरसिया व रजौन थानाध्यक्ष नीरज तिवारी व SI सुनील कुमार के नेतृत्व में पुनसिया राजा व रजौन के चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क पहने लोगों से दोपहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन तक के चालकों से ₹50 करके टोटल ₹3,000 का फाइन वसूला गया। वहीं निर्धारित समय अनुसार दुकान खुलने वाले आवश्यक दुकान का भी जायजा लिया गया। इस अभियान को लेकर बिना मास्क पहने लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। लॉकडाउन को लेकर सड़कों पर रजौन प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर घूम घूम कर मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं जगदीशपुर रायपुरा बॉर्डर पर पहुंचकर BDO CEO पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने सील किए गए सीमाओं का जायजा लिया। बांका के अमरपुर बाजार में कोरोना वायरस फैलने की अफवाह से आम लोगों में खासी दहशत है। संक्रमण की अफवाह से देखते देखते बाजारों में सन्नाटा पसर गया। आम लोग अपने अपने घरों में दुबके नजर आ रहे थे। बताते चले अमरपुर MO एवं इनकी पत्नी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि पाई गई, तो क्षेत्र के भरको गांव में स्थित यूको बैंक के कर्मी में भी पॉजिटिव होने की पुष्टि पाई गई। हालांकि यूको बैंक को 36 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। वहीं MO में पॉजिटिव की पुष्टि होते ही क्षेत्र के अधिकांश डीलर होम क्वारंटाइन का सहारा ले लिए। दूसरी तरफ अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद एवं इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। इस संकट की घड़ी में भरको पंचायत के सरपंच राकेश शाह पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए आम लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया। इन्होंने आम लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहने की अपील की, साथ ही अति आवश्यक होने पर ही मास्क पहनकर बाजारों में निकलने की अपील की। इन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने से ही बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाव हो सकता है। इन्होंने आम लोगों से गर्म पानी, काढ़ा एवं समय समय पर साबुन से हाथ धोने की अपील की, ताकि संक्रमण फैलने से बचाव हो सके।
थाना क्षेत्र के बिसंबरचक गांव में केस उठाने का दबाव बनाते हुए दबंगों ने महिला समेत 5 लोगों को पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी भोला पासवान, इनकी पत्नी ममता देवी, योगेंद्र पासवान, इनकी पत्नी सुनीता देवी एवं सोनू कुमार का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी भोला पासवान ने बताया कि विगत 20 जून को रिंकू पासवान ने मेरी भाभी सुनीता देवी के साथ छेड़खानी का प्रयास किया था। मामले को लेकर अमरपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण दबंगों का हौसला बढ़ गया। 19 जुलाई को गांव के ही रिंकू पासवान समेत बुल्लू पासवान, पांडव पासवान, विजय पासवान, हरिओम पासवान, कृष्ण पासवान हथियार से लैस होकर घर पर आए और गाली गलौज करते हुए केस उठाने का दबाव बनाने लगे, जिसका विरोध करने पर लाठी डंडा से ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए सभी को जख्मी कर दिया। मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि जख्मी के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। बांका जिला के जयपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम टोले में पत्नी से मामूली विवाद पर पति ने घर से कुल्हाड़ी निकालकर अपनी पत्नी के गर्दन पर चला दिया, जिससे पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले के संबंध में बताया जाता है कि जयपुर मुस्लिम टोला निवासी पति ने मामूली विवाद में अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से काट डाला। मृतक मल्लिमा खातून के पति इदरीस अंसारी मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। घर में मामूली विवाद में कुल्हाड़ी निकालकर गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी के वक्त घर में कोई उपस्थित नहीं था। बाद में जानकारी होने पर ग्रामीणों की मदद से पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मृतक महिला के परिवार वाले को सूचना दे दी गई है, किसी के आने पर और लिखित आवेदन देने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। तब तक लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। साथ ही घटना के अन्य पहलू पर भी जांच की जा रही है। वहीं पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।